मैं हूं मेरा स्वागत है सबका इंग्लिश स्टडी 98 के YouTube चैनल में। आज हम लोग डिग्री का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग डिग्री का दो पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए। और आज हम लोग डिग्री का नेक्स्ट पार्ट इंटरचेंज ऑफ डिग्री, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितना भी पूरा का पूरा डिग्री का जो भी कॉन्सेप्ट होता आज हम खत्म कर देंगे, ठीक है। देखिए इंटरचेंज ऑफ डिग्री में क्या होता है। सबसे पहले इसमें बेसिक कंडीशन पूछ देते हैं कि डिग्री का बेसिक कंडीशन क्या होता है। इंटरचेंज ऑफ डिग्री का मतलब होता है, सबसे पहले आप समझिए कि बिना मीनिंग चेंज किए हुए उसका वैल्यू चेंज हो जाए। बिना मीनिंग चेंज किए हुए आप दूसरा चीज में कन्वर्ट कर दो, वही होता है इंटरचेंज, ठीक है। बिना मीनिंग चेंज के, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए लेकिन अर्थ बदल जाए, ठीक है। मीनिंग नहीं चेंज होगा लेकिन सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो बदल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री में क्या होता है। इंटरचेंज ऑफ डिग्री में सबसे पहले हम बेसिक कंडीशन क्या देखते हैं, बेसिक कंडीशन देखेंगे, इसके बाद एडवांस लेवल देखेंगे, ठीक है। बेसिक कंडीशन के बाद एडवांस लेवल, मात्र दो हॉट टिप्स, सिर्फ दो हॉट टिप्स से पूरा का पूरा इंटरचेंज ऑफ डिग्री खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए पेशेंस के साथ देखते रहिए। लिखा हुआ यदि वाक पॉजिटिव हो तो उसको निगेटिव में बनाएंगे, बिल्कुल। यदि आपको वाक अगर सेंटेंस पॉजिटिव में मिले, मतलब पॉजिटिव मतलब समझते हो, पॉजिटिव का मतलब होता है अफर्मेटिव मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब अफर्मेटिव मिलेगा, उसको हम निगेटिव में बना देंगे। या अगर निगेटिव में मिलेगा तो उसको हम पॉजिटिव में, वाइस वर्सा होगा, यदि पॉजिटिव में होगा तो निगेटिव में बना देंगे, ठीक है। अगर निगेटिव में होगा तो उसको हम क्या बना देंगे, पॉजिटिव में बना देंगे। दो चीज याद रखिएगा, वाक अगर पॉजिटिव मिले तो निगेटिव में बनाना है, निगेटिव मिले पॉजिटिव में बनाना है, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए दूसरा कंडीशन में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है हर जगह, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ये तो फर्स्ट ही कंडीशन में होगा, मैं ये फर्स्ट कंडीशन में होगा, सेकंड कंडीशन में होगा। पॉजिटिव डिग्री को हमेशा इसके बीच में लिखते हैं, एज डॉटेड एज और सो डॉटेड एज के बीच में लिखेंगे, एज डॉटेड एज और सो डॉटेड एज। अच्छा ये कहां लिखते हैं, एज डॉटेड एज का यूज दो सेंटेंस में होता है, पॉजिटिव के लिए भी और निगेटिव के लिए भी, दोनों जगह इसका हम यूज कर सकते हैं। लेकिन सो डॉटेड एज का यूज सिर्फ और सिर्फ निगेटिव वाक में होता है, ठीक है, समझ में आया। सो डॉटेड एज का यूज सिर्फ और सिर्फ निगेटिव वाक में ही करते हैं, पॉजिटिव वाक में अगर सो डॉटेड एज का यूज कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद सबको पता है कि देन का यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में क्या यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं, ठीक है। ये था कुछ बेसिक कंडीशन, आपको हमेशा सभी क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखना होता है, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हूं पॉजिटिव डिग्री का, आपको बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में, बहुत ही बेसिक, अभी हम बेसिक बता रहे हैं, ठीक है, इसके बाद एडवांस लेवल चलेगा। मोहित इज नॉट सो टॉल एज राम, देखिए यहां पे वाक निगेटिव है, वाक क्या है, निगेटिव है, वाक यहां पे निगेटिव दिया हुआ है, नॉट, मोहित इज नॉट सो टॉल। अच्छा जब निगेटिव वाक है तो सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री को रखा गया है, पॉजिटिव डिग्री कहां रखेंगे, निगेटिव वाला को एज और सो और एज के बीच, या एज और एज के बीच भी रख सकते हैं। अगर ये वाक निगेटिव है तो ठीक है, अगर पॉजिटिव रहता तो हम सो और एज नहीं लिखते, अगर वाक नोट यहां पे नहीं रहता तो सो और एज नहीं लिखते, ये चीज बेसिक ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका यूज हम दोनों जगह करेंगे, इसका यूज सिर्फ निगेटिव वाक में, देखिए निगेटिव नोट लगा हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को बना दिए सब्जेक्ट, राम लिख दिए, राम इज टॉलर, राम इज टॉलर। मैंने क्या बताया था, कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदल देना, सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव यहां पे टॉल लिखा हुआ है ना, टॉल को बना दिए टॉलर, पॉजिटिव को बना देंगे कंपैरेटिव में, और कंपैरेटिव के बाद देन का यूज करेंगे, क्या चीज, देन का यूज, और सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, बन गया। कोई दिक्कत, समझ में आया, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने का क्या तरीका, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर निगेटिव आ गया तो अफर्मेटिव बदलेंगे, अगर निगेटिव आ गया तो अफर्मेटिव बदलेंगे, मैंने पॉजिटिव में बना दिया, निगेटिव था पॉजिटिव में बन गया, ठीक है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव में बनाना है, दोनों हमेशा चेंज करते चलेंगे हर जगह हर समय, ठीक है। नेक्स्ट मार्क देते, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री का वाक है, पॉजिटिव डिग्री क्यों, क्योंकि एज और एज के बीच में लिखा है, एज और एज के बीच में लिखा वाला। अच्छा वाक क्या है, पॉजिटिव वाक है, मतलब अफर्मेटिव में दिया हुआ है क्वेश्चन, हम बनाएंगे कुछ में निगेटिव में बनाएंगे, ठीक है, निगेटिव में सेंटेंस बनाएंगे, क्यों, क्योंकि वाक पॉजिटिव में है। यहां पे रोहित लिखा हुआ है, सबसे पहले रोहित लिख देंगे, रोहित इज वाक पॉजिटिव है, इसके लिए हम कुछ को निगेटिव बनाना पड़ेगा, नॉट लगा दिए, मोहित इज नॉट,
गुड पॉजिटिव इसका कंपैरेटिव क्या बनेगा, बेटर, क्या बनेगा, बेटर। कंपैरेटिव के बाद देन का यूज करते हैं और सब्जेक्ट को बना दो ऑब्जेक्ट। क्या कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है, दिक्कत नहीं है थम्स अप करो, लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। रिया इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन प्रिया। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे निगेटिव वाक दिया हुआ, नोट लगाया हुआ, पहले देख लीजिए कि नोट जब है वाक निगेटिव है मतलब हम पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिया उठाएंगे, प्रिया, प्रिया इज पॉजिटिव डिग्री को हमेशा एज और एज, सो और एज के बीच में रखेंगे, तो सो एज निगेटिव सेंटेंस के लिए होता है, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं। प्रिया इज एज इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री है, इंटेलिजेंट एज, ठीक है, क्योंकि निगेटिव बात है आप पॉजिटिव बना दिए। प्रिया इज एज इंटेलिजेंट एज रिया, ठीक है। तो समझ में आया, इतना सिंपल सा बात था, ठीक है। पहले बेसिक कंडीशन आप सीख गए हो तब हम आगे प्रोसीड करेंगे एडवांस लेवल के लिए, ठीक है। अगर ये नहीं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये बेसिक सीखने के बाद एडवांस लेवल में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ दिक्कत है तो एडवांस लेवल में भी हमेशा दिक्कत होगा, इसलिए एडवांस तभी सीखिए जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कहीं पे जरा सा भी नहीं फंसना है, ठीक है। क्या करना है, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव, इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करते हैं एडवांस लेवल के लिए, तो नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं एडवांस लेवल की ओर। बेसिक हम लोग सीख लिए हैं, आगे एडवांस लेवल की ओर हम देखते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे लेके चला हूँ, दो कॉन्सेप्ट अगर आप ये सीख लेते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरचेंज ऑफ डिग्री में किसी भी तरह का क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे इंटरचेंज ऑफ डिग्री में क्या होता है ना कि इंटरफेयर होते रहता है एक दूसरे से, इसमें से उसमें, उसमें से इसमें, इसमें से उसमें करना होता है, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बेसिक से कॉन्सेप्ट सीख गए ना, अगर कॉन्सेप्ट सीख गए तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सुपरलेटिव डिग्री में अगर क्वेश्चन होता है तो उसको बदलने के लिए आएगा पॉजिटिव चाहे कंपैरेटिव में, ठीक है, दो चीज आएगा। अगर वाक सुपरलेटिव में है तो बदलने के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव या कंपैरेटिव में। अगर वाक सुपरलेटिव में दो तरह का वाक होता है, एक सिंपल साधारण सा सुपरलेटिव होता है जैसे द बेस्ट हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, या कोई भी सुपरलेटिव वाक सिंपल सा हो गया। एक सुपरलेटिव वन ऑफ द करके होता है, वन ऑफ द बेस्ट लिखेगा, एक सुपरलेटिव होता है सिर्फ द बेस्ट लिखेगा, दोनों में फर्क है। एक वन ऑफ द बेस्ट रहेगा सुपरलेटिव, उसका फॉर्मेशन कैसे बनेगा, और सिर्फ द बेस्ट वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये दो क्वेश्चन अगर बनाने के लिए सीख गए तो सुपरलेटिव से पॉजिटिव से कंपैरेटिव हो, चाहे पॉजिटिव से कंपैरेटिव से सुपरलेटिव हो, किसी में बदलना हो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, बाकी किसी भी में बदलना हो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए अगर वाक सुपरलेटिव, मैं आपको दो हॉट टिप्स बताता हूं, यहां पे दो मैं आपको हॉट टिप्स लिख रहा हूं, ठीक है। अगर सुपरलेटिव डिग्री सिंपल फॉर्म में हो, क्या चीज में हो, सिंपल फॉर्म में, सुपरलेटिव डिग्री अगर सिंपल फॉर्म में होगा, ठीक है, सिंपल फॉर्म में, साधारण फॉर्म में, साधारण रूप में होगा, अगर सिंपल फॉर्म में साधारण रूप में होगा तो पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में हम नो अदर का इस्तेमाल करेंगे, किसका, नो अदर का, ठीक है, नो अदर का इस्तेमाल करेंगे। पॉजिटिव में हम नो अदर का इस्तेमाल करेंगे और कंपैरेटिव फॉर्म में किसका इस्तेमाल करेंगे, कंपैरेटिव फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे हम लोग, देखिए कंपैरेटिव फॉर्म में हम इस्तेमाल करेंगे एनी अदर, एनी या ऑल अदर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर सुपरलेटिव डिग्री साधारण फॉर्म में हो तो पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है नो अदर का, और सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल, कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल करना है एनी चाहे ऑल अदर का, एनी अदर का इस्तेमाल करना है, एनी अदर और ऑल अदर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर सुपरलेटिव डिग्री साधारण फॉर्म में तो पॉजिटिव डिग्री में नो अदर लगाना है, कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर चाहे ऑल अदर। एक और मैं बताता हूं, अगर सुपरलेटिव डिग्री कैसा हो, वन ऑफ द करके हो, वन ऑफ द फॉर्म में हो, अगर सुपरलेटिव डिग्री वन ऑफ द फॉर्म में हो, ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल आपको क्या करना है, वेरी फ्यू का इस्तेमाल करना है, ठीक है, वेरी फ्यू का इस्तेमाल करना है।
ठीक है ना। और कंपेरेटिव फॉर्म में किसका इस्तेमाल करना है, कंपेरेटिव फॉर्म में इस्तेमाल करना है आपको मोस्ट अदर का, मोस्ट अदर का। खत्म। ये दो हॉट टिप्स, अगर ये दो हॉट टिप्स अगर सीख गए तो पूरा का पूरा इंटरचेंज ऑफ डिग्री में कहीं भी किसी तरह का अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा कमेंट करो, मैं कमेंट में आपका जवाब दूंगा। ठीक है, अगर ये दो हॉट टिप्स सीख गए तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सुपरलेटिव डिग्री अगर साधारण फॉर्म में हो, फिर से बता रहा हूं, साधारण फॉर्म में हो तो पॉजिटिव डिग्री में नो अदर का इस्तेमाल करना है, और कंपेरेटिव डिग्री में एनी अदर चाहे ऑल अदर का इस्तेमाल करना है। क्यों दोनों का इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, बताता हूं। सुपरलेटिव डिग्री अगर वन ऑफ द फॉर्म में, वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव लिखा हुआ तो पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू का इस्तेमाल करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री मोस्ट अदर का इस्तेमाल करेंगे। खत्म, इतना ही देखना है। देखिए वन ऑफ द बेस्ट सिंपल फॉर्म लिखा हुआ, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या करना है हमको सिंपल फॉर्म में वो कंपेरेटिव पॉजिटिव बनाते समय नो अदर का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन में आएगा कि ये सुपरलेटिव में इसका पॉजिटिव कैसे बनेगा, पॉजिटिव में क्या करना है, कैसे आपको अप्रोच लगाना है, एग्जाम में कैसे पता चलेगा, अभी बना रहा हूं पता चल जाएगा, एग्जाम में कैसे पता चलेगा ये अप्रोच लगा, एग्जाम में पता चलेगा, ये दो अप्रोच सीख लो। ठीक है, साधारण फॉर्म में है तो पॉजिटिव डिग्री में नो अदर का इस्तेमाल करेंगे। खत्म, कोई दिक्कत, साधारण फॉर्म में है नो अदर का इस्तेमाल करना है, नो अदर लगा दिए, ऑब्जेक्ट को पहले उठा दो, बॉय इन द क्लास। अब ये बात पॉजिटिव फॉर्म है, मतलब अफर्मेटिव है, हम निगेटिव में बनाएंगे, नो अदर निगेटिव सेंटेंस, हम बताए थे ना, बेसिक बताए थे ना, अगर वाक्य पॉजिटिव हो तो निगेटिव में बनाएंगे, निगेटिव हो तो पॉजिटिव में बनाएंगे, ये दो चीज ध्यान में रखना। ठीक है, ये पॉजिटिव था इसलिए निगेटिव में बना रहा है, निगेटिव दिख रहा है, नो अदर निगेटिव वर्ड है, नो अदर बॉय इन द क्लास एज गुड एज जॉन, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम बताओ, नो अदर बॉय इन द क्लास, ठीक है, पूरा लिख दिए, पॉजिटिव फॉर्म को एज और एज के बीच में लिखेंगे गुड जॉन। ठीक है, अब कंपेरेटिव फॉर्म में बदलेंगे, निगेटिव था यहां पॉजिटिव में बनाएंगे, निगेटिव हो गया ना बात, वर्ब निगेटिव इसको पॉजिटिव में बनाएंगे, तो जॉन फिर उठा लिया ऑब्जेक्ट को, जॉन इज बेटर, गुड का कंपेरेटिव बेटर देन, यहां पे आपको सीखना है, यहां पे आपको दो चीज सीखना है, कंपेरेटिव एनी अदर ऑल अदर क्यों लगता है, बेटर देन ऑल अदर, अगर लगाओगे वाक्य में ऑल अदर लगाइएगा तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल लिखना। ठीक है, ऑल अदर के बाद नाउन क्या आएगा, प्लूरल आएगा, और एनी अदर के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। अगर हम यहाँ एनी अदर लिखते हैं, अगर यहाँ पे एनी अदर लिखते हैं तो यहाँ पे नाउन बॉयज नहीं बॉय होता, बस यही फर्क है, ऑल अदर के बाद नाउन बॉयज होगा प्लूरल होगा। ठीक है, बस आपको दिक्कत नहीं है, अरे ये दो चीज सीख लो ना, कहीं पे क्वेश्चन अगर बना रहे तो बताओ किसी तरह का प्रॉब्लम होता है। अब मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन से, अगर क्वेश्चन में आपको ई मिल जाता है, आपको कहेगा कि पॉजिटिव से बनाइए सुपरलेटिव, तो क्वेश्चन में देखना है कि पॉजिटिव किस फॉर्म में, नो अदर के फॉर्म में, मतलब सुपरलेटिव साधारण फॉर्म में बनेगा, पॉजिटिव नो अदर से है तो सुपरलेटिव साधारण फॉर्म में बनेगा। ठीक है, सुपरलेटिव कैसे बनेगा, यहां से ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे जॉन, देखिए ना इससे हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, जॉन इज द बेस्ट, सुपरलेटिव सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, गुड का सुपरलेटिव क्या होता है, बेस्ट, बॉय इन द क्लास, नो अदर से हट जाएगा। ठीक है, नो अदर से रहेगा तो सुपरलेटिव साधारण फॉर्म में बनेगा, अगर कंपेरेटिव से कहेगा सुपरलेटिव बनाने के लिए तब पर भी बनेगा, कंपेरेटिव से सुपरलेटिव कहेगा तब पर भी बनेगा, कैसे बनेगा देखिए आपका क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इसका कीवर्ड क्या है, ऑल अदर, कीवर्ड क्या मैंने लिखा है, ऑल अदर और एनी अदर, अगर क्वेश्चन में ऑल अदर हो चाहे एनी अदर हो मतलब सुपरलेटिव बनेगा सिंपल साधारण फॉर्म में और पॉजिटिव बनेगा नो अदर से, इसका हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं, कंपेरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनेगा, सीधा सीधा यहां से सबसे पहले पॉजिटिव में क्या करेंगे, नो अदर का इस्तेमाल क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पे और अदर चाहे एनी अदर लिखा हुआ है, सबसे पहले नो अदर लगा देंगे, फिर लगा देंगे बॉय, क्या लगा देंगे बॉय, अच्छा नो अदर के बाद बॉय सिंगुलर होगा, ठीक है, और अदर के बाद बॉय प्लूरल, एनी अदर का तो सिंगुलर। ठीक है, तो नो अदर बॉय इन द क्लास एज गुड एज जॉन, इसी का हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, बस ये दो चीज सीखा, बार बार बोल रहा हूं ये दो चीज हॉट टिप्स सीख लो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा ट्रांसफॉर्म करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, आप बनाइए कैसे बनेगा, मोस्ट ब्यूटीफुल साधारण फॉर्म में लिखा हुआ देख रहे हैं ना, मोस्ट ब्यूटीफुल साधारण फॉर्म में लिखा हुआ तो क्या करना है, नो अदर का सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, नो अदर का इस्तेमाल कर दिए कोई दिक्कत, गर्ल को उठा लो, नो अदर गर्ल, ठीक है, इज पॉजिटिव हमको एज और एज और एज के बीच में रखते हैं, तो एज ब्यूटीफुल एज सीता, खत्म, कोई दिक्कत, किसी तरह का दिक्कत है नहीं ना, चलिए आगे,
कंपैरेटिव फॉर्म देखते हैं इसका। कंपैरेटिव क्या बनेगा, सीता को उठा लिया, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर। देखिए एनी अदर आएगा तो नाउन प्लुरल सिंगुलर आएगा, नाउन क्या आएगा सिंगुलर, ऑल अदर आएगा नाउन प्लुरल आएगा, खत्म। बस इतना ही रामबाण, ये एडवांस लेवल, इससे ज्यादा एडवांस है ही नहीं, पूरा किताब सर्च कर लो ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ। ये दो हॉट टिप्स अगर आप सीख गए ना, कभी जिंदगी में नहीं प्रॉब्लम होगा। अगर सिर्फ क्वेश्चन बनाते हो बस इससे 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 उससे, हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। ये पूरा का पूरा चीज ध्यान में रखना है। वन ऑफ द रहेगा पॉजिटिव फॉर्म में वेरीफाई का इस्तेमाल करेंगे, खत्म। देखिए जुलाई यहां भी सुपरलेटिव डिग्री है, क्यों, वन ऑफ द हॉटेस्ट लिखा हुआ, द हॉटेस्ट कैसे, वन ऑफ द से मतलब पॉजिटिव अगर हम बनाएंगे, अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो वेरीफाई का इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है जी। वन ऑफ द से हम बता रहे हैं, वन ऑफ दस बता रहे हैं, पॉजिटिव कैसे बनेगा वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू मंथ्स, वेरी फ्यू, ऐसे भी वन ऑफ द के बाद नाउन जो होता है प्लुरल आता है, हमेशा यहाँ पे नाउन प्लुरल आएगा, याद रखिएगा ठीक है। वन ऑफ द के बाद नाउन प्लुरल आता है, वेरी फ्यू मंथ्स आर एज हॉट एज क्या चीज जुलाई, बहुत आसान है ना। वेरी फ्यू कहां से लगाए, वन ऑफ द सुपरलेटिव रहेगा, पॉजिटिव में वेरी फ्यू का इस्तेमाल करेंगे, कंपैरेटिव में मोस्ट अदर का इस्तेमाल करेंगे। अब मोस्ट अदर के बाद हमेशा नाउन प्लुरल आता है ठीक है कंपैरेटिव फॉर्म में। चलिए इसका कंपैरेटिव बनाते हैं, जुलाई इज हॉटर देन मोस्ट अदर के बाद नाउन हमेशा प्लुरल लिखना है सर, अब प्लुरल है भी ठीक है, प्लुरल है भी कोई दिक्कत। इसको बनाइए, इसका पॉजिटिव डिग्री क्या बनेगा, अमेरिका इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अरे वन ऑफ द से है ना, वन ऑफ द से है मतलब यहां वेरी फ्यू का इस्तेमाल होगा, किसका इस्तेमाल होगा, वेरी फ्यू कंट्रीज, वेरी फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वेरी फ्यू कंट्री ऑफ द वर्ल्ड प्लुरल है ना, आर क्या लगेगा, आर एज पावरफुल है ना, एज पावरफुल एज अमेरिका ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत, वेरी फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर एज पावरफुल एज अमेरिका। आगे इसका कंपैरेटिव फॉर्म बनाइए, कंपैरेटिव फॉर्म में क्या करना है, कुछ नहीं, अमेरिका को उठा लो, अमेरिका अमेरिका इज कंपैरेटिव से क्या बनेगा, मोर पावरफुल, अमेरिका इज मोर पावरफुल, इसमें मोस्ट अदर का इस्तेमाल करना है, अरे कुछ नहीं, मोस्ट अदर वेरी फ्यू है तो मोस्ट अदर का इस्तेमाल करेंगे, वेरी फ्यू है मोस्ट अदर का इस्तेमाल करेंगे, मोस्ट अदर के बाद नाउन प्लुरल होना चाहिए, मोस्ट अदर कंट्रीज, मोस्ट अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बस लिख दीजिए ऑफ द वर्ल्ड ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड खत्म। बताओ किसी तरह का कोई दिक्कत, अगर आपको और क्या क्वेश्चन मिलेगा, आपको मिल सकता है कि पॉजिटिव से बनाइए सुपरलेटिव, पॉजिटिव क्वेश्चन मिलेगा, वेरी फ्यू क्वेश्चन आपको रहेगा, वेरी फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर एज पावरफुल एज अमेरिका, इसको बनाना है सुपरलेटिव में, क्या करना है वही तो करना है ना, वेरी फ्यू से क्वेश्चन है आपको सुपरलेटिव बनाना है, तो वेरी फ्यू का अगर क्वेश्चन में वेरी फ्यू लिखा हुआ है, वेरी फ्यू लिखा है मतलब वन ऑफ दस बनेगा, वन ऑफ दस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तो पहले ही बेसिक बता चुके हैं ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ मैं दो तरीका से आपको बताया हूं ठीक है, ये दो हॉट टिप्स पे आपका पूरा का पूरा खत्म। अगर इसके अलावा भी कहीं पे क्वेश्चन में दिक्कत होता है, और अगर आपको और पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना रहे हो, चाहे कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बना रहे हो, उसमें अगर दिक्कत होता है कमेंट करो, कमेंट में लिखो, आपका मैं कमेंट का जवाब दूंगा। तो पॉजिटिव का सेशन, डिग्री का सेशन आज खत्म होता है, नेक्स्ट आगे आपका क्लास में चलेगा यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का यूज कहां कहां किया जाता है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखना मत भूलिए, जब तक आप टाइम वेस्ट करोगे आपका स्टडी ऐसे ही बेकार जाएगा, टाइम वेस्ट करोगे स्टडी बेकार जाएगा, अगर टाइम का यूज करोगे स्टडी करो, टाइम का यूज करो लर्न इंग्लिश, और स्टे होम, सेफ रहो, घर पे पढ़ो ठीक है। ऐसे भी क्लास व्लास खुलने वाला भी नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ घर से रहकर आपके लिए, अगर आप नहीं पढ़ोगे मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ोगे आपका इंप्रूव होगा, अगर छोड़ दोगे बहुत डाउन हो जाएगा, बहुत डिक्रीज हो जाएगा ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर मोर एंड मोर शेयर करो ठीक है, चलो टेक केयर।